राम राम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कैप्सूल किस चीज का बनता है? कैप्सूल की आउटर लेयर बाहरी सतह है, वो कवर जिसमें मेडिसिन या कोई और प्रोडक्ट डाला जाता है वो किस चीज का बनता है? बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, वीडियो को आखिर तक देखें और आपके अपने चैनल गुरुजी की दुनिया को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस दुनिया में कैप्सूल हर कोई खाता है, चाहे वो किसी बीमारी को लेकर खाए या मल्टी विटामिन विटामिन या किसी और वजह से खाए, लेकिन हर कोई लगभग कैप्सूल खाता ही है। क्या आप जानते हैं ये कैप्सूल जिसमें ये मेडिसिन डाली जाती है या कोई और प्रोडक्ट डाला जाता है, ये आउटर लेयर बाहरी सतह, ये कवर इसका किस चीज का बनता है? दोस्तों, कैप्सूल दो प्रकार के होते हैं, एक कैप वाला जिसकी कैप खुलती है जिसमें ड्राई मेडिसिन यानी कि सूखी दवाई डाली जाती है, और एक बंद वाला होता है लचीला सा जिसमें लिक्विड मेडिसिन या तरल दवाई या कोई भी प्रोडक्ट है वो डाला जाता है। दोस्तों, ये कैप्सूल बनते हैं दोनों ही जेलेटिन से। ये जो कैप वाला होता है ये हार्ड जेलेटिन से बनता है और जो लचीला होता है वो सॉफ्ट जेलेटिन से बनता है। अब बात ये आती है कि ये जेलेटिन किस चीज की बनती है? दोस्तों, ये जेलेटिन बनती है बोन और स्किन की, यानी कि हड्डियों और खाल की, चमड़े की। तो जाहिर ही बात है कि ये चमड़ा और ये हड्डियां, बोन और स्किन, ये पशुओं और जानवरों की होती हैं। ये था कैप्सूल बनाने का, उसकी आउटर लेयर वो कवर बनाने का सच। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस बारे में हर किसी को पता हो। और आपके अपने चैनल गुरुजी की दुनिया को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय भारत।